एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की वीडियो। आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है। यस, सिम्बा ने भी अपनी एक्साइटमेंट दिखा दी है। सो आई जस्ट वोक अप, डिड माय स्किन केयर, फ्रेशनड अप। काफ़ी प्रोडक्टिव दिन आज होने वाला है, सो आई थॉट व्हाई नॉट ग्रैब माय ट्राइपॉड एंड कैमरा एंड मेक यू गाइज अ पार्ट ऑफ अ क्वर्की व्लॉग अगेन। सो आज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एट 11 AM एंड उसके बाद ईशान से मैं बहुत अरसो, लाइक आई फील लाइक मैं बहुत टाइम बाद मिलने वाली हूँ, क्योंकि मैं उसे लॉकडाउन से पहले मिली थी। आई वॉन्ट टू गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड पिक अप द BTS मील। आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स लॉन्च्ड इन दिल्ली एंड आई वॉन्ट टू टेस्ट इट। आई वॉन्ट टू सी व्हाट द पर्पल पैकेजिंग हाइप इज ऑल अबाउट। इसके बाद मुझे अपनी PR वाली अलमीरा भी साफ करनी है। आई थिंक आप लोगों ने मेरे स्टूडियो की PR अलमीरा कभी भी नहीं देखी है एंड टुडे आई एम गोना शो यू गाइज उसके अंदर क्या है एंड आई एम गोना क्लियर इट, थोड़ा सा उसको डिक्लटर करेंगे बिकॉज आई एम गोइंग सिक ऑफ इट एंड जो न्यू PR मेरे पास आ रहा है उसको रखने की कोई जगह नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा PMS कर रही हूँ, मुझे थोड़े बहुत क्रैम्प्स हो रहे हैं। We're not gonna let it get in our way. Without any further ado, let's get started. हेलो, सो आई टुक अ बाथ एंड आई डिडंट वॉश माई हेयर बिकॉज अभी भी मेरे बाल ठीक ही लग रहे हैं एंड जब तक बाल मेरे ऑयली नहीं होते हैं आई डोंट ट्राई टू वॉश माई हेयर। सो आई जस्ट केप्ट अ फ्यू थिंग्स क्योंकि मैं थोड़ा मेकअप करने वाली हूँ। आई हैव एन अर्जेंट जूम कॉल मीटिंग, सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। दिस इज़ फ्रॉम स्कीऑन अपैरल्स एंड ये मृदुल ने मुझे भेजा था, लाइक दिस होल सेट एंड इट्स सो कम्फर्टेबल। अगर आप घर में पहनना चाहो और लाउंज करना चाहो, इट्स रियली गुड। आई डोंट थिंक जूम कॉल के लिए मुझे इतना ज़्यादा कुछ मेकअप करने की जरूरत पड़ेगी, बट सिंस आई हैव टू मीट ईशान आफ्टर दिस एंड ट्राई द BTS मील, आई एम गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप क्योंकि मैं उसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ एंड आई जस्ट फील लाइक ड्रेसिंग अप टुडे। बट या, फ्रेग्रेंस ऑफ द डे इज दिस वन, दिस इज हिप्नोटिक पॉइजन बाय डियोर। दिस इज अ लग्जरी गिफ्ट फ्रॉम मी टू माई सेल्फ। बहुत टाइम हो गया था पैसे खर्चे बिना एंड आई वॉज क्रेविंग अ न्यू फ्रेग्रेंस। Fell in love with this, like absolutely love this. It's vanilla, it's almonds and it's a little bit of sugar syrup. And I'm also gonna wear this cute bracelet जो मुझे Crayon Closet ने भेजा था। This she sent for me and Chakro. So उसकी वीडियो में आपने उसे हाथ में ऐसे पहने हुए जरूर देखा होगा, पिंक कलर का एंड ब्लू वाला मेरे पास है। Okay, I'm not gonna walk you through the whole makeup procedure क्योंकि फिर हर vlog बहुत लंबा हो जाता है। So just enjoy these shots of me doing my makeup. प्रॉब्लम बट मैं एक के बाद एक ब्लॉग नहीं डालना चाहती, लाइक आई वॉन्ट टू कीप अ बैलेंस। सो विल हैव टू बी इन द लेटर पार्ट ऑफ द मंथ बिकॉज आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ लाइक सिटिंग डाउन एंड चिट चैट वीडियोज प्लान एंड ऑल्सो हैव दिस मिस्ट्री बॉक्स। हेलो, हाँ या, मेरी गाड़ी में चल लेंगे, तू बस बता दे कब तक आएगा। हेलो, काफी टाइम बाद मिल के कैसा लग रहा है आपको? काफी बढ़िया। हाय गाइस, व्हाट्स अप? सो वी आर इन द कार एंड हम कहाँ जा रहे हैं? मैकडॉनल्ड्स। या, टू ट्राई व्हाट? BTS वाला जो न्यू, ये आई एम गोना गिव माय फुल रिव्यू इन दिस वीडियो टू यू गाइस के कैसा है, क्योंकि आज ट्यूसडे ही वोंट बी एबल टू हैव चिकन। मैं ऐसी चीज में बिलीव नहीं करती, बट यू कैन गिव योर रिव्यू ऑन पेप्सी एंड फ्राइज। नो, आई विल बी हैविंग मैक स्पाइसी पनीर। हाँ वो तो ठीक है, बट BTS मील का रिव्यू चाहिए ना हमको। फ्राइज एंड पेप्सी तो आएगा सेम नहीं होगी। तो वही तो जोक है। ओके ओके, लेट्स गो। सो वी हैव द BTS मैकडॉनल्ड्स मील एंड द पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस। इसमें BTS का लोगो है एंड मैकडॉनल्ड्स एंड ऑब्वियसली BTS की पर्पल पैकेजिंग ही होगी। अगर ये पर्पल हो जाती तो बहुत ज्यादा क्यूट लगती, बट इट्स द बेसिक फ्राइज ओनली। आई एम सैड फॉर पीपल इन इंडिया जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं बिकॉज मुझे बहुत सारे DMs आ रहे थे कि हम वेजिटेरियन हैं, हम क्या खाएं, कोई ऑप्शन है कि नहीं है, बट दे ओनली हैव दिस एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो फ्राइज खा सकते हो। एंड यू ऑल्सो हैव दीज सॉसेस जो है स्वीट चिली सॉस एंड इट्स केजन सॉस, पर इसमें रेड बना हुआ है। ये भी नॉन वेजिटेरियन है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी।
एग योक पाउडर है इसके अंदर, सो यू कांट इवन हैव दिस केजन सॉस, यू कैन ओनली हैव द स्वीट चिली सॉस. व्हाट इज दिस यार? एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट आई फील इज द पेप्सी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पेप्सी अपने क्लियर पैकेजिंग में मिल रही थी. दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा. कोरियन फ्राइड चिकन होना चाहिए था, उनका कोरियन फ्राइड चिकन बहुत फेमस है, उनको इसमें डाल देना चाहिए था. मैंने ये यही पर खाई हुई है, ये बस पैकेजिंग नॉर्मल सॉस ऐसे वाली थी. इट्स अ लिटिल हॉट बट या स्वीट चिली. I feel like 300 is a decent price McDonald's के उसमें. But I guess इनमें अगर burger include होता तो it will have a wholesome. मैंने कहीं Twitter पे पढ़ा था कि इन्होंने अपने meal में burger इसलिए include नहीं किया क्योंकि काफी religions में certain type of meat allowed नहीं होता. Okay, I'm trying the Cajun sauce guys. ये नहीं खा पाएगा क्योंकि इसमें अंडा, अंडा नहीं खाता ना तू Tuesday को. I like this more. This reminds me of barbecue nation का केजन पोटैटो होता है ना, वो सालसा पोटैटो, वो बिल्कुल यही सॉस है. आई लाइक, मुझे बहुत अच्छी लगती है. BTS का एलिमेंट इस मील में बहुत ही कम है, सिर्फ पैकेजिंग है. एंड आई थिंक आप लोग भी अग्री करोगे, वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग फोटो कार्ड्स में या तो BTS की मर्च, BT21 के कार्टून कैरेक्टर्स, जैसे हैप्पी मील में आप इंक्लूड करके देते हो ना तो वो दे सकते थे, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. तो एटलीस्ट वो BTS मेंबर्स के फोटो कार्ड्स इसमें ऐड कर देते ताकि क्यूरियोसिटी रहती कि व्हेन यू ओपन योर मील आपको किस BTS मेंबर की फोटो या फोटो कार्ड मिला. थंबनेल के लिए कर ले यहीं पे पॉज. तो फ्राइज पकड़ लियो, ठीक है. I don't have words कि मैं किस चीज की तारीफ करूं, because everything is so usual. I look like मैंने अपने आप को व्यू फाइंडर में देखा. There is this meme of Hobie जो BTS का member है, and he was drinking beer. I think उनका कोई वो था, challenge चल रहा था या कुछ discuss कर रहे थे वो. वो इतना ड्रंक होके ऐसे अजीब सा हो गया था, एंड जब वो पी रहा था वो ऐसे पी रहा था ऐसे करके. मैं देखो मीम अभी दिखाती हूँ. दिस एपिसोड वाज रियली फन. फिर वो ना ड्रंक होके लोग बातें कर रहे हैं, ही हैज ज़ोन्ड आउट. सो आई लुक लाइक दिस. व्हाट डू वी हैव हियर ईशान? वी हैव सम पनीर टिक्का एंड सम दूध. कैसा? क्या हो गया? ठंडा ठंडा मेकअप रिमूवर मेरे मुंह पे पड़ रहा है. While I'm removing my makeup, I would really like to know what is one thing that is keeping you guys sane. Please take some time and comment and let me know कि किस चीज़ में आप लोग अपनी नई hobby या कोई interest develop कर रहे हो जिससे you guys are feeling better. For me, that would have to be fragrances and then joining ऐसे ही interactive lives or rooms on Clubhouse. But I really wanted to speak also, so आज चाक्रो और मैं host कर रहे हैं एक room which is called Feel Good. I'm gonna wash my face and get back to you. Okay, I am back. It is summer skin refreshment type and I just really feel like जैसे हमारी body को ज़्यादा ऐसे season में hydrated रहने की ज़रूरत है. Our face and skin also need something to get refreshed and a healthy glow बरकरार रहे skin पे. Recently Mamaearth ने मुझे अपने दो moisturizers भेजे थे. Now this is the vitamin C ultra light gel and this one is my favorite. It's called the Upton ultra light gel oil free moisturizer. Played with them enough to realize that इनका texture बहुत ज़्यादा light है and summers के लिए बहुत सही रहेंगे. Both of them are ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स एंड ये मेरी स्किन को हाइड्रेट करते हैं एंड ये स्किन का पीएच लेवल भी रिटेन करके रखते हैं, व्हिच मेक्स देम परफेक्ट फॉर द समर. एंड ये आपकी स्किन के लिए एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक की तरह होता है जो हम समर्स में बहुत क्रेव करते हैं. ऐसे समरिश और मिक्स्ड वेदर में मेरी स्किन में बहुत ज्यादा ड्राई पैचेस भी हो जाते हैं एंड यहाँ टी जोन में बहुत ऑयल निकलता है, सो ऑब्वियसली मेरी स्किन काफी डिहाइड्रेटेड फील करती है. एंड समथिंग लाइक अ लाइट जेल कंसिस्टेंसी इज बेस्ट फॉर दिस वेदर. एंड व्हेन यू अप्लाई दीज जेल मॉइस्चराइजर्स तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन कितनी हाइड्रेटेड और प्लम फील कर रही है एंड यू गाइज विल बी एबल टू सी
how easily it absorbs. My skin is super fresh. You guys can see it's non-sticky. Andar sab kuch acche se absorb ho gaya hai. And my face feels so refreshed. They're not creamy, they're not oily, they're not sticky. Aapke face pe aise lagta hai ki aap itna kuch refreshing aur bahut thanda thanda laga rahe ho, to bahut hi achi feeling milti hai samajh mein. Also this can be used on your body. Iske andar mere favorite ingredients hai turmeric and saffron, jinke andar antioxidant properties hoti hai, taki jo bhi UV rays ya pollution se aapki skin mein damage hua ho wo usko ghatati hai dheere dheere over regular use. Your skin stays moisturized and hydrated throughout the day. Koi bhi dryness, koi bhi patches wagaira nahi hote. You guys can see it looks so glowy without any makeup. Paraben and silicone free. So Mamaearth not only has goodness inside their products but also in the values that they stand for. Aapne recently unke plant goodness initiative ke bare mein suna hoga, in which every time you buy from them Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant, and by the year 2025 unka goal hai 1 million trees plant karna. So they have also recently launched their official app which is available for iOS as well as Android users, jiska link aapko niche description box mein mil jayega. So app ki help se aapko early access milega Mamaearth ki sale pe aur sare acche acche discount mil payenge. So if you want to try this range out and any of these oil free moisturizers for this season, aap mera code use kar sakte ho Aditi2021 for 20% off. This is not an affiliate code, it's just a discount code for you guys, and these products are also available on Amazon, Flipkart, Nykaa. Now as I was buying the BTS meal na, mujhe idea aaya ki Ravi ko kyunki McDonald's itna pasand hai to main uske liye bhi ek happy meal le jaun. So he literally is the biggest fan of McDonald's. I am gonna go to Ravi and thoda usko surprise karte hain abhi dopahar ke time pe. Ravi, kya hai ye? Guddu didi Ravi ke liye surprise lai. Kholo, kiska hai ye McDonald's? Didi khayegi ya Ravi khayega? Zor ki zor laga ke. जब रवि ऐसे शॉक हो जाता है ना तो ऐसे बिहेव करता है. अभी उसका ब्रेन पूरा फ्रीज हो चुका है. एंड भूखा नंबर टू. सॉस सिचुएशन ऑफ माई स्टूडियो टेबल राइट नाउ एंड दिस ऑल नीड्स टू गो इन दैट अलमीरा. सो दिस इज माई पी आर अलमीरा, जिसको मैंने आज तक कहीं भी किसी भी व्लॉग में या अपने इवन स्टूडियो टूर में भी आप लोगों को नहीं दिखाया था. सो आई एम ओपनिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. जो कि है कुछ कपड़े जो मैंने अपने थ्रिफ्ट स्टोर के लिए संभाल के रखे हुए हैं, शीन के, रॉमवे के एंड बहुत सारे लाइक सरोजनी के, जो मैं बहुत ही यू नो मिनिमल रेट पे बेचना चाहती हूँ. एंड देन वी हैव ऑल दी स्टोरेज पाउचेस जो कि मेरे ड्रॉअर में नहीं आ पा रहे थे. एंड दिस इज़ फॉर ज्वेलरी. सो यहाँ पे लिटरली एवरी इंस्टाग्राम स्टोर दैट सेंड्स मी ज्वेलरी भर भर के हर डब्बे में पड़ी हुई है. एंड यहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें हैं. लाइक जब मैं छोटी थी ना, मेरे स्कूल की मैगजीन निकलती थी लविता, तो ये वो है फॉर द ईयर आई डोंट इवन नो दिस इज 2007. ओ माई गॉड गाइज, डू यू रिमेंबर द टाइम जब स्कूल में हमारी ऐसी कंप्यूटर लैब्स होती थी? आर दे स्टिल प्रेजेंट? एंड इतने मोटे मोटे आपके डेस्कटॉप्स होते थे. आई थिंक इसमें मेरी कहीं फोटो या फोटो छपी थी बिकॉज मैंने अपना बुक मार्क करके पेज रखा हुआ था. दिस इज मी, दिस द गर्ल इन येलो. ओ माई गॉड, लेट मी जस्ट जूम इन यू गाइज. सो आई वॉज वन ऑफ द म्यूजिक स्टूडेंट्स इन माई स्कूल एंड दिस यूज टू बी आर म्यूजिक सर. कैन यू गाइज recognize me? Because oh my god. So this is me in that yellow sweater. I still have it. And I remember hume gana gana tha pollution ke upar, say no to crackers, say no to pollution and all of this. And we performed in front of Sheila Dikshit, jo us time ki Delhi ki CM thi. When I see this girl, I feel like this girl is so freaking shy and so timid. Like main isme bhi meri body language aap dekhoge to aise main dari hui, anti social, like mujhe koi kuch na bol de, semi aisi lag rahi hu. Something's never changed. Like even if you spot me in a group aaj bhi, to
वो बॉडी लैंग्वेज मैं अभी भी कैरी करती हूँ एंड दैट समथिंग दैट आई नीड टू चेंज. सो दिस यूज टू बी मी बैक इन 2003 या 2004 एंड आई वॉज इन डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी एंड उन्होंने मुझे ड्रॉ किया था. इसमें भी मैं बहुत डरी हुई लग रही हूँ. वॉट इज अप विद मी गाइस? लुक व्हाट आई फाउंड माई ओल्ड स्लैम बुक. दिस यूज टू बी अ कॉन्सेप्ट. यू गाइस रिमेंबर हम लोग स्कूल में जाके अपने फ्रेंड से स्लैम बुक भरवाते थे. स्लैम बुक अभी तक संभाल के रखी थी बिकॉज आई वॉन्टेड ईशान टू फिल इट बट एज यूजल नो टाइम. ओ माई गॉड यू गाइज, मैंने अपने नाना जी से भी भरवाई हुई है स्लैम बुक. केशव लाल शर्मा, ये मेरी राइटिंग है बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू गिव मी द आंसर्स. एंड उनकी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज थी अनारकली, मदर इंडिया, फेवरेट एक्टर दिलीप कुमार, फेवरेट एक्ट्रेस वहीदा रहमान, लवेबल पेट एंजल जो मेरी कजन सिस्टर का उस टाइम डॉग था एंजल, रेस्ट इन पीस एंजल एंड नाना जी. एंड ही लव्ड स्पेंडिंग टाइम डूइंग नथिंग बट प्रेइंग टू गॉड एंड मेडिटेशन. मेरे नाना ने जो स्लैम बुक फिल कराई थी मेरे से, मैं उनके एक्सपर्ट कमेंट्स पढ़ रही थी बिकॉज दिस इज बैक इन 2009 व्हेन आई वाज इन 9th क्लास एंड माय नाना जी डाइड इन 2012 और 13. नानी की डेथ 2004 में हो गई थी. सो आई कुडंट रियली आस्क हर टू फिल दिस स्लैम बुक फॉर मी बट मेरे नाना जी की यादें इसमें हैं. सो इसमें पूछा हुआ है द डे विच विल ऑलवेज बी अनफॉरगेटेबल टू मी. तो उन्होंने लिखा है ऑल डेज ऑफ माई लाइफ आर गुड एंड प्रेशियस एंड द डे आई होप नेवर कम बैक्स इन माई लाइफ इज वेन माई वाइफ डाइड एंड द ओनली विश आई होप कम्स ट्रू में लिखा हुआ है. दिस इज एक्चुअली अ वेरी फनी आंसर बट सो डीप. The only wish I hope comes true that to go to heaven when I die as I am not sure that I think I should go in Nark but I want to go in Swark. Oh my god. And अपने बारे में उनके opinions ये थे कि I am a bit crack but bit good also. एंड मेरे बारे में उन्होंने लिखा है वेरी सेंसिटिव गर्ल एक्सट्रीमली एक्चुअली एंड हेयर इज माई नाना जी साइन. ये जो टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है सो He held the pen and he signed it for me, which is, I don't know, मैं इतनी emotional क्यों हो गई इस video में, but I really miss my grandparents यार. बहुत अच्छे लोग थे वो and उनके साथ हर moment मेरे को हमेशा याद रहेगा. So I don't even remember के slam book में मैंने इतना कुछ संभाल के रखा हुआ है. So this came as a very good surprise to me and मैं हमेशा इसको अपने साथ रखूँगी. I'm gonna go back to cleaning now. I was not prepared for this. राइट, सो दिस इज वॉट माई कॉर्नर लुक्स लाइक. लॉट्स ऑफ स्पेस जिसको मैं अभी फिल करने वाली हूँ मेरे पास क्योंकि और पी आर आ गया है. बट लुक व्हाट आई फाउंड मोर मेमोरीज विच आई एम स्केयर टू ओपन. दीज आर ऑल माई फेवरेट बचपन की फोटोज. ओके गाइज, सो इट्स 7:45 इन माई स्टूडियो एंड आई वांट स्टार्ट क्लब हाउस एट 8 PM. वॉट इज कीपिंग यू सेन इन दिस लॉकडाउन एंड वॉट मेक्स यू फील गुड. सो इंट्रो इज मतलब ठीक है, इंट्रो करना है नहीं करना है दैट्स अप टू यू. जस्ट लेट अस नो कि क्या चीज़ अभी आपको खुश कर रही है. दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच. लेट्स मूव ऑन टू हस्ती नाउ. ओके, सो आई वॉन्टेड टू चाइम इन थोड़ा सा बीच में. सॉरी मैं श्रुति का नंबर बीच में काट रही हूँ थोड़ा सा. मैंने अभी दो तीन लोगों को सुना ना कि ये लॉकडाउन ज़्यादा डिफिकल्ट था. आई एक्चुअली डिसएग्री थोड़ा सा अपने लिए पर्सनली बिकॉज लास्ट ईयर का मुझे शुरू में लगा था कि इट्स ईजी एंड आई वॉज मोटिवेटेड. आई ऑल्सो स्टार्टेड कि मैं 3-4 वीडियो वीक में डालूंगी, गुड टाइम टू यू नो रीच न्यू पीपल. एंड ये बहुत मैंने किया एंड मैं एक महीने तक कंटिन्यू कर पाई. उसके बाद लाइक आई गेव अप एंड आई वेंट टू दिस through this whole roller coaster of emotions. I had so many mental breakdowns and then by December I started like थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कराना. दीज वर माई टू सेंस ऑन द टॉपिक. आई एम सो सॉरी श्रुति, यू कैन कंटिन्यू. अरे यार ऐसे मत बोलो यार. सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज जो एक्स्ट्रा पीआर वगैरह आया हुआ है वो मैं अपनी अलमीरा में रख दूंगी. एंड ये जो खाने का सामान है मैंने सब कुछ अमेजोन से मंगाया था. सो ये स्पेगेटी आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ. आई लव स्पेगेटी बट आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू. सो फेटुचिने इट इज. काफी सारी सॉसेस मंगाई थी लाइक बारबेक्यू सॉस जो पास्ता मैंने डलती है बट एनी वे मुझे बारबेक्यू फ्लेवर बहुत पसंद है. बट आई हैव ऑर्डर्ड अ ट्रेडिशनल इटालियन मैरिनारा सॉस. मुझे बहुत अच्छी लगती है मैरिनारा सॉस. सो उसमें आज मैं ये फेटुचिने बनाने वाली हूँ. सो लेट्स मेक माई वेरी यमी डिनर. दिस इज माई फ्रिज एंड ये मेरी न्यू सॉसेज हैं एंड दिस इज वॉट आई रिसेंटली ऑर्डर्ड फॉर माई पास्ता. एटिको फ्रेश रेड सॉस पास्ता ट्रेडिशनल इटालियन मैरिनारा.
सो गाइज मैंने अपना पास्ता स्ट्रेन कर लिया है, यहाँ पे मैंने उतने में गार्लिक भी ग्रेट कर लिया है एंड अंदर मैंने ये पास्ता को स्ट्रेन करके ना उसका पानी थोड़ा सा बचा के रखा है क्योंकि आप जब उसको सॉस में मिक्स करो तो काफी अच्छा टेस्ट आता है। ओके गाइज, सो माय कढ़ाई इज रेडी एंड इसके अंदर भी मैं ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डालने वाली हूँ। सो अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ग्रेटेड गार्लिक। गार्लिक थोड़ा सा लाल होना शुरू हो गया है तो इसके अंदर मैं अपने सारे चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा चिली फ्लेक्स। सो अब गार्लिक हो गई है लाल एंड आई एम गोना पोर माय मैरिनारा सॉस इन दिस। आई थिंक दिस मच सॉस इज इनफ फॉर माय पास्ता। सो नाउ यू कैन सी ये बॉयल होने लगा है, आई एम गोना पोर माय पास्ता नाउ। ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, इससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। सो आई एम गोना जस्ट ऐड दिस थोड़ा सा मेरे पास्ता में, रोजमेरी एंड इफ यू डोंट हैव दी स्पाइसेस सो इट्स फाइन बिकॉज आपकी मैरिनारा सॉस में ज़्यादातर होते हैं चीज़ें, बेजल वगैरह एंड आई ऑल्सो हैव थाइम हेयर जिसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो बेस्ट वे टू चेक इज आप अपने पास्ता को साइड में करके देखो एंड आपको अपना वो पानी ना दिखे, सो द पास्ता इज कुक्ड प्रॉपरली एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व। टेस्ट करके देखना अच्छा कैसा है, अच्छा गंदा? इट्स टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाते टाइम एकदम ऐसे करके भी चाट के नहीं देखा एंड इट्स जस्ट कुक्ड ब्लाइंडली, बट सिंस मैंने दो तीन बार आलू ओलियो बनाया हुआ है मुझमें एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं पास्ता बना सकती हूँ। मे बी इट्स जस्ट द सॉस क्योंकि मैंने सॉस खुद से नहीं बनाई, इट्स नॉट अ पास्ता फ्रॉम स्क्रैच, बट ओ माई गॉड दिस इज मेकिंग मी सैलिवेट। गेट सेट गो। It's so bloody damn good. Oh my god. I feel like मिर्ची थोड़ी और ज्यादा हो सकती थी, but that's just the Indian in me जिसको हर चीज में मिर्च मसाला चाहिए होता है। अपने हाथ चूमने का मन कर गया। इसके साथ एक ठंडी पेप्सी होती है वर्जन वो ही तो होता, मजा आ जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई रियली होप आप लोगों को ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो एंड आई रियली होप आपको आज मेरी मीट पसंद आई हो ईशान के साथ एंड द BTS मील रिव्यू। दिस वॉज काइंड ऑफ अ फूड ब्लॉग, लाइक मैं कुछ ना कुछ बीच में चटर बटर खाई रही थी, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, चेक आउट ऑल द वीडियोज लिंक बिलो। आई नो यू गोना लव देम एंड इफ यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स ऑन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो, एवरी ट्यूजडे एवरी Friday सुबह सुबह 11 बजे एंड फॉलो मी ऑन ऑल माय सोशल्स राइट देयर, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज़ आई एम सुपर एक्टिव देयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।